अब जब सामान्य हो चुका है तो हमारी मांग है कि यूनिवर्सिटी में इंटर डिपार्टमेंट कल्चर प्रतियोगिताएं कराई जाए, साथ ही जो रेट परीक्षा का आयोजन किया उसका सिलेबस जारी किया जाए, यूजी और पीजी की जो क्लासेस चलती है उनका भी नया सिलेबस यूनिवर्सिटी की साइट पर अपलोड किया जाए। इस संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का MDS यूनिवर्सिटी पर प्रदर्शन। कोरोना से मिली राहत के बाद सह शैक्षणिक प्रतियोगिताओं के आयोजन की कुलपति से मांग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री विकास गौरा व महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की इकाई अध्यक्ष रिंकू राठौड़ के नेतृत्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संबंधित छात्र छात्राओं ने शनिवार को कुलपति को इंटर डिपार्टमेंट कल्चर टूर्नामेंट कराने, रेड परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने, इसका सिलेबस जारी करने सहित यूजी और पीजी कक्षाओं का नया सिलेबस जारी करने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। ABVP के महानगर मंत्री विकास गौरा ने बताया कि विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष अंतर महाविद्यालय व विश्वविद्यालय सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित होती रही हैं, जिसमें छात्र छात्राओं को न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होने का अवसर मिलता है बल्कि प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने हेतु उच्च मंच भी उपलब्ध हो पाता है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण छात्र इस तरह की प्रतियोगिताओं से वंचित रहे, लेकिन अब हालात सामान्य हो गए हैं और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन भी हटा दी गई है। ऐसे में फिर से विश्वविद्यालय परिसर में अंतर विभागीय सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित होनी चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आंदोलनरत छात्रों को जब विश्वविद्यालय परिसर में घुसने से रोक दिया गया तो उन्होंने ज्ञापन की कॉपी विश्वविद्यालय के गेट पर चस्पा कर दी और कुलपति को आगाह किया कि 5 दिनों में यदि इन मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो ABVP को उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। आज हमने यूनिवर्सिटी के अंदर विद्यार्थियों से संवाद किया, उसमें विषय निकल के आए कि जो अभी कोरोना के कारण 2 साल से कल्चर प्रोग्राम बंद है, सह शैक्षणिक गतिविधियां भी सभी प्रकार से बंद है, अब जब सामान्य हो चुका है तो हमारी ये मांग है कि यूनिवर्सिटी में इंटर डिपार्टमेंट कल्चर प्रतियोगिताएँ कराई जाए, साथ ही जो रेट परीक्षा का आयोजन किया उसका सिलेबस जारी किया जाए, यूजी और पीजी की जो क्लासेस चलती है उनका भी नया सिलेबस यूनिवर्सिटी की साइट पर अपलोड किया जाए। इन संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया, परंतु वहाँ पे जो जिम्मेदार व्यक्ति है, न VC है, न रजिस्ट्रार मिलते हैं, न और अन्य कोई जिम्मेदार व्यक्ति कोई भी नहीं मिला, तो इसके विरोध में हमने गेट यूनिवर्सिटी का दरवाज़ा बंद करके प्रदर्शन किया और जो ज्ञापन था उसको VC ऑफिस के बाहर चस्पा किया और चेतावनी दी, और मीडिया के माध्यम से वहाँ के जो कर्मचारियों के माध्यम से हमने चेतावनी दी कि अगर इन मांगों पर 3 दिन में अगर कार्यवाही नहीं हुई तो विद्यार्थी परिषद यूनिवर्सिटी को बंद करा के बाहर उग्र प्रदर्शन करेगी।